तो बात उन सुनहरे दिनों की है जब मैं 9 साल का था और दुनिया लगभग हर तरह के अजीब और गरीब खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई थी। तब दुनिया में सब कुछ रोमांचक लगता था। एक दिन सुबह 4 बजे मेरा कज़िन मुराद मुझे खिड़की से जगाता है। उसे सब पागल समझते थे, बस मैं ही था जो उसे अलग नज़र से देखता था। उसने धीरे से आवाज़ लगाई। मैं सीधा बेड से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांककर देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था। अभी सुबह नहीं थी, लेकिन गर्मी का मौसम था, इस कारण थोड़ी थोड़ी रोशनी थी और मुझे इससे यकीन हो रहा था कि मैं वास्तव में जो देख रहा हूँ वो सच है, ना कि सपना। मेरा भाई मुराद एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। मैंने खिड़की से बाहर अपना सर निकाला और आंखें मलते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, ये एक घोड़ा है, उसने आर्मेनियन में कहा। तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम्हें भी राइड करना है तो आ जाओ, जल्दी करो। केवल मैं जानता था मेरे भाई को असल में ज़िंदगी जीने का कितना जुनून था। भले ही हमारी कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, मैं जो देख रहा था उस पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके 2 रीज़न थे। पहला, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना और मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन घोड़े की सवारी करूं, इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और दूसरा, क्योंकि हम बहुत बड़े वाले गरीब थे और यही मेन वजह थी कि मुझे ये सब यकीन करने से रोक रही थी। हमारे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। हमारा पूरा ख़ानदान बहुत बुरी तरह से गरीबी में जी रहा था। हम गैरोगैलेनियन फैमिली से थे, जो पूरी दुनिया में बेस्ट लेवल के कॉमिकल करीब माने जाते थे, क्योंकि ख़ानदान के बुज़ुर्गों को भी ये समझ नहीं आता था कि हमें पेट भरने के पैसे मिलते कहाँ से हैं। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। लगभग 11 सदियों तक हम अपनी ईमानदारी के लिए ही जाने गए, चाहे तब हम दुनिया के अमीर तरीन लोग क्यों ना रहे हों। तो शॉर्ट में कहा जाए, 3 मेन चीज़ें। पहला, खुद पर नाज करो। दूसरा, ईमानदार रहो। और तीसरा, सही और गलत में फ़र्क पहचानो। हम में से कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था, चोरी तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए भले ही मेरे सामने एक शानदार घोड़ा था और भले ही वो गजब का खूबसूरत था, जिसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता था, मैं उसकी सांस लेने की आवाज़ तक सुन सकता था और भले ही मैं उसे देखकर रोमांचित था, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद मुझसे या हमारे ख़ानदान के किसी भी इंसान से कोई ताल्लुक हो सकता है। मुझे ये भी यकीन था कि मुराद इसे खरीद तो बिल्कुल भी नहीं सकता, और अगर ख़रीद नहीं सकता मतलब ये चोरी किया गया घोड़ा होगा। पर मैं ये भी नहीं मान सकता कि उसने चोरी की होगी। गैरोगैलेनियन ख़ानदान का कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता। मैं कभी मुराद को देखता तो कभी घोड़े को, दोनों में एक अजीब सी मासूमियत थी और एक खुशी थी जो मुझे भी खुश कर रही थी, और दूसरी तरफ ये मुझे डरा भी रही थी। मुराद, मैंने कहा, ये घोड़ा तुमने चोरी किया है, अगर घुड़सवारी करनी है तो खिड़की से नीचे आ जाओ, उसने जवाब दिया। मतलब यह सच था, उसने घोड़ा चोरी किया था, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। वो तो मुझे बस इनवाइट करने आया था घुड़सवारी के लिए, वो भी अगर मेरा मन हो तो। मैं सोचने लगा कि बस एक राइड के लिए घोड़ा लेना पैसा या किसी और चीज़ की चोरी करने जैसा तो नहीं है। मेरे हिसाब से शायद इसे चोरी कहना भी सही नहीं होगा, बशर्ते आप घोड़े के लिए वैसे ही दीवाने हों जैसे मैं और मेरा भाई मुराद था। ओके, तो ये चोरी नहीं थी। चोरी तब होती जब हम इसे बेचने की सोचते, और मुझे यकीन था हम इसे कभी बेचने तो नहीं वाले। मुझे बस कपड़े पहन लेने दो, मैंने कहा। ठीक है, उसने जवाब दिया, लेकिन जल्दी करो। मैं तुरंत कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर मैं खिड़की से नीचे कूदा और मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उस वक्त हम शहर के किनारे वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। हमारे घर के पीछे ही गांव था। अंगूरों के बाग, फलों के बाग, नदी के किनारे और गांव की पतली सड़कें। 3 मिनट में हम ओलिव एवेन्यू पर थे और घोड़ा धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाने लगा। सुबह की ताज़ा हवा हमें सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था और घोड़े की सवारी का एहसास भी लाजवाब था।
मेरा भाई मुराद हमारे ख़ानदान के सबसे अजीब इंसानों में से एक था और जिसने अब गाना गाना शुरू कर दिया था, यानी वो चीख चीख के गा रहा था। हर परिवार में एक न एक छोटा मोटा पागल सदस्य पाया ही जाता है और मुराद को हमारे ख़ानदान में इस पागलपन का असली उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मुराद से पहले ये खूबी हमारे अंकल खौसरोब में थी, एक बहुत ही तगड़े काले घने बालों वाले पूरे सैन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछों वाले इंसान थे। उनका गुस्सा इतना तेज़ और स्वभाव इतना चिचड़ा था कि किसी भी इंसान की बोलती बंद कर दें, चाचा बड़ी से बड़ी समस्या पर एक ही बात बोलते, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो। एक बार तो उनका अपना बेटा अरक 8 ब्लॉक दौड़कर बार्बर के पास पहुंचा, जहां वो अपनी मूछें सेट करवा रहे थे। उसने कहा, घर में आग लग गई है। खुसरो कुर्सी से सीधे हुए और ज़ोर से बोले, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। बार्बर ने कहा, पर ये लड़का कह रहा है कि आपका घर जल रहा है। तब खुसरूप और भी जोर से बोले, बस कहा ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मुराद को इस आदमी के बाद इस पागलपन का नया उत्तराधिकारी माना जाता है, जबकि मुराद के पिता जुराब बहुत ही डिसेंट व्यक्ति थे। हमारे खानदान में यही होता है, एक आदमी अपने बेटा का बायोलॉजिकल पिता तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उस पिता का व्यवहार देखने को मिलेगा। हमारे खानदान में यही होता है, एक आदमी अपने बेटे का बायोलॉजिकल पिता तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसके पिता का व्यवहार देखने मिलेगा। हमारे खानदान में लोगों की स्पिरिट और उनका नेचर आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है, ये पता लगाना हमेशा मुश्किल और कभी फिक्स नहीं रहा। हम घोड़े पर सवारी करते रहे और मुराद गाता रहा। हमारे पड़ोसियों के हिसाब से हम ओल्ड कंट्री में थे। हमने घोड़े पर तब तक सवारी की जब तक घोड़े को दौड़ने का मन रहा। अंत में मुराद ने कहा, उतरो, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ, तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? मैंने उससे कहा, ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, चलो उतरो, वो मुझे भी सवारी करने देगा, मैंने कहा। देखते हैं, भूलो मत मैं घोड़ों का एक्सपर्ट हूँ, मुराद ने कहा। हाँ है तो उसमें क्या, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मैंने कहा। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ तुम एक्सपर्ट हो, ताकि सही सलामत सवारी कर पाओ, चलो अब उतरो, मुराद ने कहा। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। मैं उतर गया और उसने घोड़े को अपने पैर की एड़ी से किक करके चिल्लाया, वजीर दौड़, और घोड़ा अपने पिछले पांवों पर खड़ा हो गया, हिनहिनाया और एक तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। ओह, ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े को सूखे घास के मैदानों में दौड़ाते हुए एक सिंचाई के लिए की गई खुदाई तक ले गया, जिसको घोड़े के साथ क्रॉस करते हुए 5 मिनट बाद पानी में भीगा वापस लौट आया। सूरज उगता जा रहा था, अब मेरी बारी है घोड़े पर सवारी करने की, मैंने कहा। मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े से उतरते हुए कहा, हाँ हाँ करो सवारी। मैं घोड़े पर चढ़ गया और एक अजीब सी घबराहट महसूस करने लगा। घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला, उसकी मसल्स पे लात मारो, मुराद ने कहा। किस बात का इंतज़ार है, हमें इसे वापस भी ले जाना है इससे पहले कि सब जाग जाएं। मैंने घोड़े में लात मारी और फिर से घोड़ा 2 पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया और फिर दौड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं था, खेतों की तरफ दौड़ने की बजाय घोड़ा सड़क पर दौड़ते हुए डिकरन हेलेबियन के वाइन यार्ड की तरफ चला गया, जहां उसने वाइन्स के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। घोड़ा 7 वाइन्स के ऊपर से कूदता हुआ आगे बढ़ा और तब तक मैं गिर चुका था। हालांकि घोड़ा दौड़ता रहा, मेरा भाई मुराद सड़क पर दौड़ते हुए आया। मुझे तेरी चिंता नहीं है, वो चिल्लाया, हमें वो घोड़ा ढूंढना है, तुम इस तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो प्यार से पेश आना, मैं आसपास ही हूँ, ठीक है। मैं सड़क पर आगे बढ़ता रहा
और मुराद खेत की तरफ सिंचाई की खुदाई की तरफ चला गया। उसने घोड़े को ढूंढने और वापस लाने में आधा घंटा लगाया। ठीक है, उसने कहा, आ जाओ बैठो, लगता है सब जाग गए हैं। अब हम क्या करें, मैंने पूछा। हम या तो इसे वापस ले जाएंगे या फिर कल सुबह तक छुपा देंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कोई फिक्र नहीं थी और मुझे पता था कि वो इसे छुपा देगा, वापस नहीं ले जाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। हमें इसे कहाँ छुपाना है, मैंने पूछा। मुझे एक जगह पता है, उसने कहा। तुमने ये घोड़ा कब चोरी किया, मैंने पूछा। और फिर मुझे अचानक याद आया कि कुछ समय से भाई साहब सुबह की सैर पर जा रहे थे। आज सुबह मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो जानता था मुझे घोड़े की सवारी करना कितना पसंद है। चोरी का किसने कहा, उसने पूछा। और क्या, वैसे भी तुम हर सुबह घूमने जाना कब से शुरू कर चुके हो। सिर्फ आज सुबह से, उसने जवाब दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, वो बोला, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है, समझे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हमने आज सुबह से ही घुड़सवारी शुरू की है। ठीक है, मैंने कहा। उसने धीरे से घोड़े को एक सुनसान वाइन यार्ड यानी अंगूर के बगीचे की तरफ छोड़ दिया। अच्छा, ये बगीचा ना कभी एक किसान की शान माना जाता था जिसका नाम था फैतविजान। वहाँ कुछ ओट्स और सूखे एल्फाल्फा लगे हुए थे। वहाँ से हम घर की तरफ चले आए। ये आसान नहीं था, उसने कहा, घोड़े को इतनी अच्छी तरह से संभालना। पहले यह बहुत बेचैन था, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैं घोड़ों को संभालने के तरीकों में एक्सपर्ट हूँ। मैंने इसे संभाल लिया, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, घोड़े मेरी बात समझते हैं। ये तुम कैसे करते हो, मैंने पूछा। मुझे घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाना आता है। हाँ, लेकिन किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग, मैंने पूछा। एक सिंपल और लॉयल वाली अंडरस्टैंडिंग, उसने जवाब दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तुम अभी छोटे हो, उसने कहा, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें भी ये करना आ जाएगा। फिर हम अपने अपने घर को आ गए। मैंने घर आके बढ़िया नाश्ता किया। उस दिन दोपहर को मेरे अंकल खोसरोव हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए थे। वो ड्राइंग रूम में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे। तभी एक और मेहमान आए, एक किसान जिनका नाम था जॉन बायरो। ये एक असीरियन है, हालांकि इन्होंने अकेलेपन से बचने के लिए अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। मेरी माँ मेहमानों को कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आईं। उन्होंने एक सिगरेट रोल की और पीने लग गए। फिर उदासी का एक्सप्रेशन देते हुए बोले, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुराया गया है, अब तक नहीं मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे अंकल खौसरुफ काफ़ी नाराज़ हो गए और चिल्लाते हुए बोले, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है, ध्यान मत दो। एक घोड़े का क्या गम है, क्या हम सब ने अपना देश नहीं खोया, फिर एक घोड़े के लिए तुम क्यों रोते हो। ये कहना आसान है तुम्हारे लिए, तुम शहर में रहते हो, जॉन ब्रायो ने कहा। मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या, एक घोड़ा गाड़ी बिना घोड़े के कैसे काम करेगी। छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खौसरूब ने गुस्से से बोला। वो घोड़ा मुझे $7 का पड़ा था, किसान ने कहा। मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंकल खौसरूब ने जवाब दिया। इस पर वो गुस्से से उठकर घर से चले गए, दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हुए। मेरी माँ उनको समझाने गई कि खुसरूब दिल के बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ अभी अपने घर यानी ओल्ड कंट्री को मिस कर रहे हैं। और सोचो ना, इतने बड़े कद के आदमी को अपनी भावनाएं संभालना कैसे आएगा। लेकिन किसान कुछ नहीं सुनता है और चला जाता है। और फिर मैं भी अपने भाई मुराद की तरफ दौड़ के जाता हूँ। वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा था, एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया के चोटिल पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रही थी। वो उस परिंदे से बात कर रहा था। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ। एक किसान जॉन बायरो आए थे, मैंने कहा। अंकल खौसरोप के साथ बैठे रहे, उन्हें अपना घोड़ा चाहिए। तुम इसे 1 महीने से रखे हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये वापस नहीं करो। जब तक मैं ठीक से घुड़सवारी नहीं सीख लेता, तुम्हें सीखने में 1 साल लगेगा, मेरे भाई मुराद ने कहा। ओके, तो हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं,
मेरा भाई मुराद एकदम से खड़ा हो गया। क्या? उसने गुस्से से कहा, क्या तुम गरो ग्लैनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? वो घोड़ा अपने असली मालिक के पास जाना चाहिए। कब? मैंने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में, उसने जवाब दिया। उसने परिंदे को हवा में उछाल दिया। परिंदे ने बहुत कोशिश की, वो 2 बार बस गिरने ही वाला था, लेकिन आखिर में वो ऊंचा और सीधा उड़ने लग गया। हर सुबह 2 हफ्तों तक मेरे भाई मुराद और मैं उस घोड़े को उस पुराने अंगूर के बगीचे से निकालते रहे जहां हम इसे छुपा कर रखे थे, और उस पर सवारी करते रहे। हर सुबह जब मेरी बारी आती, अकेली सवारी करने पर घोड़ा हमेशा की तरह अंगूर की बेलों और छोटी झाड़ियों पर कूदता और मुझे गिरा देता और भाग जाता। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं वक्त के साथ मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। एक सुबह फैद विजयन के पुराने बगीचे की तरफ जाते वक्त हम किसान जॉन बायरो से मिले, जो शहर की तरफ जा रहे थे। मैं डर गया। मुझे बात करने दो, मुराद ने कहा, मुझे किसानों से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे, उसने घोड़े की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे इस घोड़े का क्या नाम है? हार्ट, मुराद ने आंसर किया अर्मेनियन में। ये तो एक खूबसूरत नाम है, एक खूबसूरत घोड़े का, जॉन बायरो ने कहा, लेकिन मुझे लगता है ये वही घोड़ा है जो कुछ हफ्तों पहले चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ? बिल्कुल, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के दांत देखे। दांत से दांत एकदम मिलते हैं, उन्होंने कहा। यह घोड़ा शर्तियन मेरा होता अगर मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में नहीं पता होता, लेकिन तुम्हारा परिवार ईमानदारी के नाम पर बहुत फेमस है और मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन ये घोड़ा मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन है। एक शक्की इंसान को अपनी आँखों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि अपने दिल पर। हैव अ नाइस डे मेरे नन्हे दोस्त। अगली सुबह हमने घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे में ले जाकर छोड़ दिया। कुत्तों ने बिना कोई आवाज़ किए हमें घेर लिया। कुत्ते, मैंने भाई से कहा। मुझे लगा वो भौंकेंगे। वो किसी और पर भौंकेंगे, मुराद बोला। मुझे कुत्तों से बात करने का तरीका पता है। मुराद ने घोड़े को अपने हाथों में उठाया, उसकी नाक को घोड़े की नाक से मिलाया और उसे प्यार से थपथपाया, और फिर हम चले गए। उस दोपहर जॉन बायरो अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर हमारे घर आए और मेरी माँ को वही घोड़ा दिखाया जो चोरी हुआ था और अब वापस मिल गया था। मैं नहीं जानता क्या हुआ, उन्होंने कहा, ये घोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है और ज़्यादा समझदार भी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अंकल खौशरूप, जो पार्लर में ही बैठे थे, गुस्से में आए और चीख कर बोलने लगे, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, इतना भी क्या ध्यान देना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो।